सत श्री अकाल जी, स्वागत है तुहाडा साडे यूट्यूब चैनल मास्टर जी दे विच। अज आपां साइंस दे चैप्टर कार्बन अते उसदे यौगिकां जिणी कि कार्बन एंड कंपाउंड दे एमसीक्यू करांगे। ठीक है जी, ते वीडियो शुरू करदे आं। पहला प्रश्न, आधुनिक आवर्ती सारणी विच कार्बन किस समूह नाल संबंधित है? तो राइट आंसर है जी समूह 14 नाल। देख दो ये अपने कोल उह हैगा आ तीजा चौथा पांचवां छेवां सतवां अठवां नौवां दसवां ग्यारहवां बारहवां तेरहवां चौदहवां आ देख लो चौदहवें नंबर से अपना मतलब वह आगा। इस तरह तो आप चौदहवें नंबर से करते होंगे तो यदा अटोमिक नंबर 6 है तो अटोमिक मास 12 का। ठीक है जी, अगला प्रश्न, कार्बन आइटम की सब तो बाहरली शैल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? राइट आंसर है जी 4। इन्हां दी कन्फिगरेशन होंगी के एल एम एन एन के दे विच 2 एल दे विच 8 होंगे है जी, तो ये मतलब बाहरले इलेक्ट्रॉन दे विच 4 होंगे। ठीक है जी, कार्बन आइटम की सब तो बाहरले शैल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? राइट आंसर है जी 4। अगला प्रश्न, कार्बन की बैलेंसी की है? तो राइट आंसर है जी 4। हेठां दित्ते विच्चों किहड़ा कार्बन की सही इलेक्ट्रॉनिक संरचना नूं दर्शाउंदा है? तो राइट आंसर है जी 2 अते 4, ऑप्शन डी। यानी कि पहले इहदे विच 2 होंदे आ ते के शैल दे विच 2 ते एल शैल विच 4 होंदे आ। ठीक है जी, अगला प्रश्न, कार्बन का परमाणु पुंज की है? तो राइट आंसर है जी कार्बन का परमाणु पुंज 12 गा ते अटोमिक अटोमिक नंबर किन्ना गा 6 आ। ठीक है जी, भूपट्टी खनिज के रूप में केवल कितने परसेंट कार्बन मौजूद है? तो राइट आंसर है जी 0.02%। ठीक है, अगला प्रश्न, धरती के उत्ते कितने परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है? तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना गा कितने परसेंट मौजूद है? 0.03। जे पूछा जाए कार्बन हैगा गा 0.02 तो कार्बन डाइऑक्साइड 0.03। ठीक है जी, अगला प्रश्न, हाइड्रोजन अपनी सब तो बाहरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉनों को पूरा करना चाहता है? तो राइट आंसर है जी 2। अगला प्रश्न, दो परमाणुओं विचकार इलेक्ट्रॉनों के एक जोड़े को साझा करने द्वारा बनाए गए बॉन्ड को की कहा जाता है? जदों एक जोड़ा साझा करता है तो उसे अपन सह संयोगी बॉन्ड आखते हैं। अगला प्रश्न, एक कार्बन मिश्रण या एक सह संयोगी मिश्रण विच की अंतर है? तो राइट आंसर है जी ए इलेक्ट्रॉनों का तबादला है। अगला प्रश्न, जदों दो परमाणुओं विचकार 3 इलेक्ट्रॉन सांझे किए जाते हैं तो उन्हें विचकार केड़ा बंधन बनता है? तो राइट आंसर है जी उन्हें दे विच तीरा बंधन बनता है। अगला प्रश्न, हेठ दित्ते विचों केड़ा कार्बन का एलोट्रॉप नहीं है? राइट आंसर है जी मीथेन। ग्रेफाइट, हीरा ते फुलरेन ये की ने गे यह कार्बन के ही रूप हैं, एलोट्रॉप हुंदा गा रूप। ठीक है जी, तो जिहड़ा मीथेन है गा वह कार्बन का रूप नहीं है। अगला प्रश्न, इन्हां विचों किहड़ा शुद्ध कार्बन है? हीरा, फुलरेन ते ग्रेफाइट हीरा फुलरेन ते ग्रेफाइट ये सब की हैं? यह कार्बन का शुद्ध रूप हैं। ठीक है जी, अगला प्रश्न, ग्रेफाइट में कार्बन परमाणुओं को कितने और कार्बन परमाणुओं तक अद्धा किया जाता है? तो राइट आंसर है जी 3। हीरे के कोण का मुल की है? तो राइट आंसर है जी 24.4। अगला प्रश्न, हीरे में हरेक कार्बन परमाणु को कितने और कार्बन परमाणु तक अद्धा किया जाता है? तो राइट आंसर है जी 4। हीरे विच कार्बन परमाणुओं की सब तो बाहरी ऑर्बिट विच मुफ्त इलेक्ट्रॉनों की गिनती कितनी होती है? राइट आंसर है जी 0। निम्नलिखित विच फुलरीन केड़ा है? तो C16 फुलरीन का रूप है। ठीक है जी, हीरे का रिफ्रैक्टिव इंडैक्स जानी कि अपवर्तन अंक की कितना होता है? तो राइट आंसर है जी 0.42। अगला प्रश्न, हीरे और ग्रेफाइट विचकार केड़ी तरंग लंबाई जानी कि गुण सांझी है? तो राइट आंसर है जी
हीरे के ग्रेफाइट में सिर्फ रसायनिक गुण सांझे हैं। जेकर तुहानू वीडियो वधिया लगी तो प्लीज़ चैनल में लाइक तो सबसक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।